दोस्तों, मैं उस्मा फैसल आप सबके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने आ गई हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खैर खैरियत से रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खुश और खुर्रम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं एक झटपट सी रेसिपी बनाऊँगी, जिस वक्त आप ये समझ लें कि आपका डिनर करने का या लंच करने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, या आपने वर्कआउट किया है, तो उसके बाद जो है वो आपको कोई ना कोई एनर्जी बूस्टर चाहिए होता है। तो मैं एक बिल्कुल सिंपल सी फ्रूट सैलड बनाऊंगी और जो आपके लिए बहुत हेल्दी होगी, और उसके साथ साथ जो है वो आप कोई से भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपको जो जो पसंद है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन ये गारंटी है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस में वैल्यू में बहुत अच्छी होंगी और बहुत ज़्यादा फिलर होगी कि आपका पेट उससे भर जाएगा। तो मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद रेसिपी की तरफ चलेंगे। पहले मैंने ले लिया है एक ऑरेंज, एक ना ज़्यादा ना बड़ा ना ज़्यादा छोटा, एक दरमियाने साइज़ का मीडियम साइज़ ऑरेंज, हाफ कप जो है वो मैंने लिए हैं अपना अंगूर, ग्रेप्स, कीवी लिया है मैंने, एक कीवी लिया है, उसको भी काट लिया है, इस तरह के स्लाइस कर लिए हैं। एक मैंने एप्पल लिया है और मैंने रेजन्स लिए हैं, कोई से भी रेजन्स आप ले सकते हैं। फ्रूट सैलड में अच्छा सा फ्लेवर आता है अगर किशमिश वगैरह, बादाम कुछ भी डला हो तो एक मीठा सा फ्लेवर देगा। चेरीज़ लिए हैं टॉपिंग करने के लिए, अच्छा सा प्यारा सा डेकोरेट करने के लिए। ये स्वीट कॉर्न्स लिए हैं मैंने, ये टिन वाले लिए हैं, ठीक है। और ये प्लेटर है जिसके अंदर मैंने सारे वो लगा लिए हैं सलाद पत्ता, और वो उससे डेकोरेशन कर लिए। एक मैंने क्यूकम्बर लिया है, और ख्याल कीजिएगा कोई सा भी, मैंने जो भी ये फ्रूट्स लिए हैं इसके अंदर किसी में भी बीज ना हो, वरना वो बहुत ही गंदा सा इम्पैक्ट देते हैं। और इसलिए इसके अलावा मैंने एक टीस्पून जो है वो लिया है काली मिर्च, और एक टीस्पून जो है वो मैंने चीनी ली है, और हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। वो चीनी के साथ ही डाल दिए तो इसलिए आपको लग रहा होगा दोनों एक जैसे। ये बारीक वाली चीनी है, पाकिस्तान में जहाँ पे भी थोड़ी सी मोटी चीनी आती है वो अच्छी नहीं रहेगी, इसके अंदर आपको ग्राइंड करनी पड़ेगी। और ये दही लिया है, दही मैंने टेट्रा पैक का लिया है। अगर आपके पास पानी वाला दही है तो फिर आप उसके अंदर ये कर सकते हैं कि उसको हैंग कर दें ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, तो वो ऐसे हैंग कर्ड बन जाएगा। तो ये वैसे तो मैंने टेट्रा पैक लिया। और ये थोड़ा सा मायोनीज लिया है, ये 1 टेबल स्पून हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर मैंने हाफ कप आपको बताया योगर्ट लिया है। अगर आपके पास पानी वाला है तो आप उसको हैंग कर दें किसी भी मलमल के कपड़े में, और वो दही डाल के और उसको हैंग कर दें, और फिर उसके बाद जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा तो वो हैंग कर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देखें, मैं एक सिंपल से विस से आप ये कर लें, हाफ कप मैंने इसमें दही डाल दिया। अच्छी तरीके से बाउल को साफ कर लेते हैं, ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। देखिए इसमें लम्स है ना, इसको ख़त्म करना है। फिर इसके अंदर हम साथ ही दोनों को डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर मायोनीज डाल रही हूँ। ये देखिए ये रही मायोनीज। ये वैसे तो हम आपको पता ही होगा कि मायोनीज जो है वो सारी सैलड्स में मायोनीज ही डलती है, लेकिन मैंने एक ट्विस्ट दिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है दही से। आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मायोनीज इटसेल्फ बहुत फैटनिंग होती है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि ये मैं आपके हेल्दी बना रही हूँ, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है मायोनीज को दही से। तो इंशाल्लाह ये देखिएगा बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा दही भी आपको। इसके सारे लम्स हम निकाल देंगे, इसको अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करें, लम्स निकल जाए, दोनों इनकॉर्पोरेट हो जाए, बस इतनी देर हमने इसको मिक्स करना है। वैसे तो ये हैंकर्ड है, ये टेट्रा पैक का है, और ये बहुत अच्छा गाढ़ा दही होता है, पानी वानी इसके अंदर नहीं होता। पानी वाले दही से ही होगा कि आपकी सैलड जो है ना, जैसे वो मायोनीज वाली बनती वैसी नहीं बनेगी, पानी छोड़ देंगे सारे फ्रूट्स। तो इसलिए मैंने जो है वो टेट्रा पैक कर लिया है, हाफ कप, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के मायोनीज डाल दी है। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है काली मिर्च ली है, और 1 टीस्पून मैंने चीनी ली है, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक लिया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मायोनीज के अंदर नमक होता है, तो इसलिए हमने कम नमक लिया। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इन सारी चीज़ों का,
बस हमें उनको मिक्स अच्छे से करना है। देखें मैंने कितना अच्छा मिक्स कर लिया ना, कहीं लम्स नज़र आ रहे हैं आपको, सब इनकॉर्पोरेट हो गया ये। अगर आपके पास चीनी जो है वो मोटी होगी तो फिर वो इसके अंदर घुल के और पानी छोड़ेगी, लेकिन अगर आपने बारीक की हुई होगी चीनी, पीस लें ब्लेंडर में डाल के और थोड़ा सा वो जो मिक्स जार होता है उसके अंदर डाल के और थोड़ा सा मिक्स कर लें तो अच्छा होगा। ये देखें बिल्कुल साफ़ कर लिया मैंने इसको, और मैंने साइडें भी साफ़ कर ली इस बाउल की। अब चलें, ये चार चीज़ें हैं, इसके अंदर दही है, इसके अंदर मायोनीज है, इसके अंदर चीनी है, नमक है और काली मिर्च है। काली मिर्च को कुटी हुई लीजिएगा, क्योंकि कुटी हुई काली मिर्च का टेस्ट इस सैलेड में बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल पिसी हुई आप ले लेंगे तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगी। एक मैंने इसके अंदर कीवी डाल दिया। अब सारे फ्रूट्स इसके अंदर डालने, पानी वाला फ्रूट नहीं लीजिएगा, जैसे तरबूज खरबूजा वगैरह तो वो दही पानी छोड़ देगा। और मैंने इसके अंदर डाल दिए अपने सारे अंगूर, ग्रेप्स। ग्रेप्स आप कोई से भी कलर्स के ले सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। ये मैंने एक मौसमी डाल दी, कोई से भी जो जो फ्रूट का सीज़न हो वो आप डाल सकते हैं। एक मैंने एप्पल डाल दिया। एप्पल का ये सीन होता है कि अगर आप उसको ज़्यादा देर काट के रख लें तो वो काला पड़ जाता है। मैंने थोड़ा सा लीमू डाल के रखा था, लेकिन ज़्यादा लेमन नहीं डाल दीजिएगा, वरना उससे भी जो दही है वो पानी छोड़ देगा। एक खीरा है, इसकी सीड्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत ही गंदा सा टेस्ट देता है अगर सीड्स वाला खीरा आप इसके अंदर डाल देंगे। ये हो गया। अब इसके अंदर मैं जो स्वीट कॉर्न्स हैं, ये टिन वाले मेरे पास हैं, तो टेबलस्पून मैंने लिए थे, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो ये आप ज़रूर इसमें डालिएगा। आपको जो जो फ्रूट्स इसमें पसंद हो आप फ्रूट सैलेड में डाल सकते हैं, लेकिन बस पानी वाला फ्रूट जैसे तरबूज वगैरह नहीं डालिएगा, वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देगा। ये देखें मैंने सिर्फ चेरी और रेजन्स को ऐसे ही रख दी है, वो हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। वो बहुत ही प्यारा सा एक प्लेटर ले लें जो सी थ्रू हो, तो उसके अंदर से सारे फ्रूट्स नज़र भी आएंगे और मज़ा भी देंगे। अब देखें ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं लग रही जिस तरह की हमारे पास मायोनीज़ वाली सैलेड होती है, बिल्कुल भी कोई दही ने पानी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने टेट्रा पैक का यूज़ किया हाफ कप, और एक टेबलस्पून मैंने उसमें मायोनीज़ डाल दी थी, वो बेहतरीन सा हो जाता है। कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको इतनी मायोनीज़ खाने की, मायोनीज़ इट्सेल्फ बहुत फैटनिंग होती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। चलो यह मैंने एक प्लेटर में इस तरह सलाद पत्ता लगाया हुआ है, ताकि ये पर अच्छा सा प्रेजेंट करें ना आप, सिंपल सी रेसिपी है, अच्छा सा प्रेजेंट करेंगे तो खाने वाले को भी मज़ा आएगा, आपके घर वाले भी खुश होंगे। ये बच्चों के आजकल छुट्टियां हैं, बच्चों को इस काम में लगाएं कि चलो बेबी बेटा हम आप ना बनाते, बच्चे खुश भी होते हैं इस तरह, कोई सेल्फ अचीवमेंट भी होती है, और फिर बच्चे जो हैं वो आराम से उसको इंजॉय भी करते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया, सारे कलर्स जो है अल्लाह ताला ने नेचर में इतने अच्छे अच्छे हमें कलर्स दिए। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने किशमिश थी, किशमिश एक टेबलस्पून है, आपकी चॉइस है, आप इसके अंदर डालें, लेकिन ये बहुत मज़े का टेस्ट देती है, डालिएगा ज़रूर, देखें, और हेल्दी भी बहुत है। और ये हमारे पास चेरीज आ गई, चेरीज़ का भी आजकल सीज़न है, तो मैंने सीजनल फ्रूट सारे ले लिए। आम आए, आम इसके अंदर आप डाल सकते हैं, वो जो सख्त वाला आम होता है वो आप इसके अंदर डालें, बहुत अच्छे मज़े का टेस्ट देगा। लेकिन बस ये मिक्स करने का सीन है और कटिंग है, लेकिन बहुत ही हेल्दी डिश है जो आपकी तैयार हो जाएगी। आपको जो है वो किसी भी तरह का ऐसा मसला नहीं होगा कि बहुत टाइम लग रहा है और सारा कुछ है, ऐसा नहीं है। ये सिंपल सी डिश है, लेकिन आपका फिलर भी होगा और हेल्दी भी होगा। अब आप ये इसको ओवरलुक देख सकते हैं, इसका कितना प्यारा कलर आया है, और ये बिल्कुल तैयार है। मैं उस्मा फैसल आप सबके साथ थी, वह हमारे चैनल हरकत में है बरकत में। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी इस वाली वीडियो इस रेसिपी में समझ नहीं आया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और हम सबको दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़, सी या।